आप देख रहे हैं सच दर्शन। दिल्ली के द्वारका छावला इलाके में बीते रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा, जहां एक बदमाश को गोली भी लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के छावला इलाके में रात तकरीबन 2:30 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि एक ट्रक में पशु है जो भरकर ले जाई जा रही है। तभी पुलिस PCR ने इसको रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और मौके से लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रक का पीछा किया, जहां उसी दौरान ट्रक में सवार बदमाशों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और चलती गाड़ी से ही पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे, साथ ही फायरिंग भी शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई राउंड फायरिंग की, जहां पुलिस और इन बदमाशों के बीच लगभग दर्जन भर से अधिक फायरिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाशों ने ट्रक नहीं रोका। जहां कई किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने छावला इलाके के कोयला मोड़ पर पहुंचकर ट्रक के टायर पर गोली मारी, जिससे ट्रक काबू में आया। लेकिन इसके बावजूद भी इस ट्रक में बैठे 7 से 8 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। जिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी, जिसके बाद लगभग 4 से 5 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन इनमें से 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं बताया जा रहा है कि ये सभी बदमाश मेवाती गैंग के लोग हैं और द्वारका सेक्टर 1 इलाके से लगभग 6 से 7 गाय को ट्रक में भरकर दिल्ली से हरियाणा की तरफ भाग रहे थे। वहीं मेवाती गैंग वह गैंग है जो हरियाणा में सक्रिय है और हरियाणा और आसपास के राज्यों से पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात माना जाता है। मेरा नाम संजय गुप्ता है। ऐसा था जी, मैं सुबह 5 बजे घर से बाहर आया, मेरा घर सामने ही है, और मैं बाहर आया तो मैंने देखा था क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये टेम्पू के अंदर 8-10 गाय जो लाल अवस्था में थी, और यहाँ पुलिस वाले भी आए हुए थे, काफी गाड़ियां भी खड़ी थी। तो मैंने यहाँ पर आके देखा कि बता रहे थे कि सुनने में ये आया कि भाई ये मेवाती गैंग के लोग थे, जिसमें से 7-8 आदमी थे ये, और ये द्वारका से कहीं से इन्होंने इन गाय को उठाया था, जिसमें क्या कहते हैं जब ये पिकट पड़ती है गोला रेरी की, कुतुब बिहार की, उस पर जब ये वहां से निकलने लगे तो इनको अगर पिकट पर रोका गया पुलिस वालों ने तो इन्होंने उसमें पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू करने के साथ उन्होंने गोली भी चलाई, जो जिसमें क्या कहते हैं 10 दर्जन भर गोलियों से ज्यादा गोलियां चली हैं, और इसके अंदर एक आदमी को गोली लगी है, उनके 5 से 6 लोग फरार हो गए हैं, ठीक है, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, और उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं गाय 8-10 गाय हैं जिसमें घायल अवस्था के अंदर है और उनको गायुशाला भेजा जा रहा है, जो भी मतलब, और इनके लिए अच्छा कानून बने जिससे क्या कहते हैं आगे कोई घटना ना हो। फिलहाल छावला थाना पुलिस ने घायल बदमाश को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पकड़ी गई गायों को पास के गौशाला में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस इन बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के द्वारका छावला इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।